इन्होंने आपने कहा कि जय श्री राम बोले, उन्होंने जय श्री राम बोल दिया, अब वो कह रहे हैं कि फूलन देवी अमर रहे बोल दीजिए, तो आपको क्या दिक्कत है? नहीं बोलेंगे। क्यों? अरे भाई वो डकैत थी। वाह, अच्छा वो यही मान सकता जिसके साथ मेहनत हुई 14 लोगों का, जिन्होंने जिसका बलात्कार के देखे फरार। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय समाजवाद, जय श्री राम। नहीं, जय श्री राम, फूलन देवी अमर रहे, जय श्री राम, भारत माता की जय। बोलिए फूलन देवी अमर रहे। देख लीजिए, मधेसिया है जी, बनिया है, बनिया है मधेसिया। बनिया समाज तो भाजपा का 24 कैरेट टोटर होता है, पहले था अब नहीं है। और बाकी जो लोग सपा को वोट देंगे वो लोग हिंदू नहीं है? वो तो लोग मुस्लिम बनने के लिए तैयार हैं। अरे एक ने जो आपने कहा, नहीं मैंने हिंदू कहा ही नहीं, मेरी बात आप सुना ही नहीं, मैंने हिंदू कहा ही नहीं, मैंने हिंदू कहा ही नहीं, मैंने हिंदू कहा, 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 सवाल का जवाब दीजिए, मैंने हिंदू कहा, कब कहा, कब? यहाँ पे जितने लोग हैं बताइए, मैंने हिंदू कहा, मैंने क्या कहा, मेरी बात आप समझे। बीच में कूदना, आप बिना जानकारी के कूदना बहुत आसान होता है सर। हमारे बतिया तो सुन, आरक्षण की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं आरक्षण की बात नहीं कह रहा हूँ नीरज, नीरज मैं आरक्षण की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात चाहिए ना। आप समझने के लिए तैयार नहीं है तो मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगा, मैं ये कह रहा हूँ। तब बतिया खत्म, छोड़िए। नमस्कार, इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं विकास गोस्वामी और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं एक बार फिर से गोरखपुर ग्रामीण में। मेरे साथ मेरे पीछे तमाम लोग मौजूद हैं, चुनाव का माहौल है, चुनाव पे चर्चा होगा और चर्चा इस बात का होगा कि इस बार गोरखपुर ग्रामीण में विधायक कौन। कई सारे लोग हैं, कई सारे लोगों से पहले भी रूबरू हो चुके हैं और कई सारे नए भी लोग हैं। शुरुआत कर लेंगे आपसे, नाम बता दीजिए सर। अभिनंदन मधेसिया। तो थोड़ा और आगे आ जाइए, क्या हाल चाल है? बढ़िया, मस्त है। ग्रामीण के बारे में बताइए। एकदम मस्त, क्या बताएं, बताइए हाल चाल। बढ़िया है, मस्त चल रहा है ग्रामीण के बारे में। किसके लिए? विजय बहादुर यादव। आप मधेसिया हैं? जी बनिया है, बनिया है मधेसिया। बनिया समाज तो भाजपा का 24 कैरेट टोटर होता है, पहले था अब नहीं है। कहे और ज्यादातर हम देखते हैं कि इस टाइम सभी लोग सपा का प्रचार कर और हम भी उसी का कर रहे हैं। कहे बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है। क्या मतलब सपा में क्या बढ़िया लगता है? अब सपा में क्या जो हमको अच्छा, इसलिए हम प्रचार कर रहे हैं अपना। अरे वो भाई साहब कहाँ गए भाई? भैया बुलाइए, भाई बुलवाइए उनको। क्या नाम है आपका? चंद प्रकाश सिपिरा। क्या करते हैं? दुकान है अपनी, बिल्डिंग मटेरियल की दुकान है। क्या नाम है सर आपका? रुका भाई पहले। अच्छा नहीं, इसमें हंसने वाली क्या बात है भैया, कुछ और बात हुआ। अच्छा एक मिनट, नाम क्या है आपका? नाम बताइए। नाम तो भैया महेश गुप्ता। गुप्ता जी हैं जी। अब ये बताइए कि ये कह रहे हैं कि जो वैश्य समाज है सपाई हो चला है। अरे आधा सपाई आधा भाजपा ही सभी लोग हैं। आप कौन से वाले हैं? हम वो सपाई आए। अच्छा आप भी सपाई हैं, यानी हम सपाइयों के गढ़ में आ गए, ऐसा है क्या? कोई भाजपा वाला नहीं है यहाँ पे? अरे क्या नाम है सर? राहुल सिंह। ठाकुर साहब हाँ, क्या हाल चाल है? बढ़िया है। पट जाला कुल के लोग कहते हैं कि सपा भाजपा का पटे लाना है। अरे हम तो मान लीजिए धंधा बिजनेस में है, इसलिए पट रहा है। नहीं रहते तो? नहीं रहते तो भी पटता। अरे हमारे सब मित्र हैं ये। अच्छा तो इस बार जीता किसको रहे हैं? बिपिन सिंह को जिता रहे हैं, भाजपा जिता रहे हैं, भाजपा को। बिपिन सिंह को ने हम योगी जी और मोदी जी के नाम पे जिता रहे हैं उनको। अभी बतिया बोल रहे हैं मेरे जाने के बाद आई दोस्तों सब घेर लिए तब ना ही घेरिए ना। नहीं ये बतिया आप ही कह रहे थे। नहीं 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 घेरेंगे। नहीं क्या मतलब भाजपा की कौन सी आइडियोलॉजी आपको अच्छी लगती है? हिंदुत्व के लिए स्टैंड रहती है हमेशा। और बाकी सब का नाम हिंदुत्व के लिए नहीं है? कहाँ है बताइए। मतलब कि और बाकी जो लोग सपा को वोट देंगे वो लोग हिंदू नहीं है? वो तो लोग मुस्लिम बनने के लिए तैयार हैं। अरे कौन? एक मिनट सपा वाले, एक मिनट, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम छत्रधारी है। आप और समर्थन किस पार्टी का करते हैं? समर्थन विजय बहादुर जी को है और समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है इसलिए भी है। हाँ कह रहे हैं कि जो लोग का नाम है भाजपा कोट नहीं देते वो लोग मुस्लिम बनने को तैयार है। ये भाजपा वाले यही बोलते हैं ना, वो हिंदू तो की राजनीति करते हैं लेकिन अभी दलित आ जाए कोई तो हिंदू नहीं होता है। वो हिंदू इनका क्राइटेरिया डिसाइड है, वोट लेने के लिए दलित और सभी लोग हिंदू हो जाते हैं। और जब लाभ देने की बात आती है चाहे किसी भी क्षेत्र में रोजगार चाहे और भी कोई
जनता के लिए जो काम होता है उसमें वो लोग दलित हो जाते हैं, पिछड़े हो जाते हैं, और उसके बाद ये लोग भाई बाबू साहब हैं ये। जवाब दीजिए सर। अभी देखिए राम मंदिर बने, सबसे बड़ा सवाल सपा वालों ने उठाया, सपा वालों ने उठाया। क्या सवाल उठाया? कि राम मंदिर इन्होंने बनवाया, तोड़वाया तो इन्होंने ही था। किसने तोड़वाया था? मुलायम सिंह यादव जी ने। क्या बात कर रहे हैं ये? क्यों? राम मंदिर मुलायम सिंह यादव का ज्ञान है इन लोगों का ये? क्यों कार सेवकों पे गोली किसने चलवाई थी? अरे सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि कार सेवकों पे गोली, मुलायम सिंह यादव को क्लीन चिट मिल चुकी है, आप कहाँ हैं? अरे भाई हम पकड़े, हम पकड़े। देखिए देखिए, सरकार जिसकी होती है वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता है। उन्होंने कार सेवकों पे गोली नहीं चलवाई थी, उपद्रवियों पे लाठी चलवाई थी, गोली भी नहीं चलवाई थी। ये गलत धारणा है। 1991 की बात, आपके शायद जन्म में 1-2 साल 3 साल 5 साल के अब रहे होंगे, उस समय की बात है। वो कही कहाई बात पे नहीं चलना चाहिए। आंखें खुली रखिए और पढ़िए संविधान को। जो सरकार में होता है वो लॉ एंड ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए कोई भी दंगा होता है। तो राम मंदिर क्यों सपा के शासन में नहीं बना? राम मंदिर देखिए, राम मंदिर भाजपा नहीं बनवा रही है, राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है। वो हो सकता था कि सपा के गवर्नमेंट में आदेश आ जाता, लेकिन ये अच्छा बातचीत करते हुए एक बात का विशेष ध्यान दीजिएगा, यहाँ जाने के बाद साथ में बैठ के चाय जरूर पीजिएगा। अरे एकदम ये हमारे मित्र हैं, हम लोग चाय तो साथ में ही पियेंगे। ये तो विचारों का खेल है। अच्छा मान लीजिए, ये तो विचारों का खेल हो गया। एक होता कि एक अपना नेता, ये तो हो गया कि भाई सरकार किसकी बन रही, एक होता कि अपना नेता समाज में, आपके विधानसभा में सबसे ज्यादा चला कौन है? बिपिन सिंह चले हैं। हाँ अच्छा, काम भी किए हैं। ऐसा कोई गांव नहीं है जहां पे वो उनका काम ना हुआ हो। ऐसा कोई गांव नहीं है जहां उनका वोट हो, ऐसे नहीं बोल पा रहे हैं ये। वो 5 साल के अपने कार्यकाल में किसी गांव में नहीं गए। उनका जो काम है किसी को नहीं दिखता है। कोरोना महामारी आई, बाढ़ से पीड़ित लोग, और भी जो भी परेशानियां होती हैं गरीब और दलित, चाहे जो भी समाज का जो इसको ज़रूरत होती है, वो पूर्व विधायक हमारे जो है माननीय विजय बहादुर यादव जी, वो चलते हैं। आप उठा के देख लीजिए। अभी देखिए यहाँ के लोग, हम लोग इस चौराहे पर बिपिन सर को अभी फेस टू फेस देखे नहीं है। क्या सर आप अकेले पड़ जा रहे हैं? मैं अकेला कहाँ पड़ जा रहा हूँ? अभी बोलिए तो बिपिन सिंह को बुला दें, बुलवा देंगे। अभी कल ही यहीं पे रुके थे। क्या भाई कहा है आप लोग झूठ बोल रहे हैं? अभी तो हम लोग देखो ना चौराहे पर उतरते हुए देखे उनको। ये लोग सपा वाले हैं, आंखें बंद कर लेते हैं बीजेपी वालों को। कोई बात नहीं है, सपा। नाम क्या सर? हम हीरा यादव सर। अच्छा जी, मतलब अब यादव टाइटल लगा तो सपा वाले हैं, सिंह टाइटल लगा तो भाजपा वाले हैं। अरे हम तो बीजेपी वाले हैं, हम तो हिंदुत्व के लिए खड़े हैं, स्टैंड रहते हैं हमेशा। और आप हिंदुत्व के विरोधी हैं? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। कहां विरोधी तो रहे हैं? अरे भाई इनका तो यही मुद्दा ही है। नहीं नहीं, मुद्दा गलत है, इनका मुद्दा। आपका नाम क्या है? गोविंद यादव। हिंदू विरोधी हैं? नहीं नहीं, हिंदू विरोधी नहीं है भाई। क्या तो रहे हैं कि हिंदू विरोधी हैं? अरे ये लोग कुछ भी बना देंगे, हम लोग को आतंकवादी बना दे रहे हैं लोग। आतंकवादी बोले इन लोगों ने, जब किसानों को आतंकवादी बोले, वो धरना दे रहे थे तो आतंकवादी बोले, जब वोट का समय आ गया तो अन्नदाता हो गए इनके। ये लोग मंदिर की बात कर रहे हैं, मंदिर पे वोट मांग रहे हैं। बताए ना किसी दलित को मंदिर का पुजारी बना देंगे ये लोग? अभी तक तो पिछड़ी समाज का मंदिर कमेटी में पिछड़ी समाज का कोई सदस्य ही नहीं है, और ये लोग मंदिर पे नाम पे वोट मांग रहे हैं। नहीं, पिछड़ी समाज के सदस्य हैं। हैं? कब है, कौन है? कौन है? बता दीजिए, आप ही बता दीजिए। दलित पुजारी कभी हो सकते हैं? क्यों नहीं हो सकते हैं? क्यों नहीं? अगर योग्य है तो हो सकते हैं। पुजारी तो संविधान समता का अधिकार देता है, तो क्यों नहीं हो सकते हैं? क्यों होंगे? दलित हिंदू हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। अगर वो योग्य है, अगर वो उस योग्य है, अगर वो देखिए बात दलित, एक मिनट पहले तो एक कंफ्यूजन दूर कर दूं आप लोगों का। ये जो दलित पिछड़ा एससी एसटी सामान्य, ये जो आप लोग करते हैं, यह किसी जाति का मानक नहीं है। मेरी बात समझिएगा, यह जाति का मानक नहीं है। सामान्य वर्ग में आप लोग आते हैं, अगर फिर से अवलोकन हो जाए, और जो आज दलित है वो अगर मजबूत हो है, मजबूत स्थिति में, तो वो भी सामान्य की कैटेगरी में जाया जा सकता है। कुछ नहीं है भैया, ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए नहीं है। पंडित जी बाबा लोग कथा कहेंगे तो सिर्फ हम लोग सुनेंगे, अगर हम लोग भी कथा कहें वो सुने तब हम। मेरी बात मैं क्या बोला हूँ आप समझे हैं? नाम बताइए। नीरज मल्ला मेरा नाम है। मल्ला साहब, मैं जो बोला हूँ आप समझ पाए हैं? आपने टोक तो दिया। मैंने क्या कहा? हिंदू जो आपने कहा। नहीं, मैंने हिंदू कहा ही नहीं। मेरी बात आप सुने ही नहीं। मैंने हिंदू कहा ही नहीं। सवाल का जवाब दीजिए। मैंने हिंदू कहा? कब कहा? कब? यहाँ पे जितने लोग हैं बताइए, मैंने हिंदू कहा? मैंने क्या कहा? मेरी बात आप समझे। बीच में कूदना, आप बिना जानकारी के कूदना बहुत आसान होता है सर। क्या नाम बताया फिर से बताइए? नीरज मल्ला। नीरज मेरी बात सुनिए, मैंने ये कहा कि एससी एसटी ओबीसी
जनरल या किसी जाति का मानक नहीं है, इसका मतलब आप समझ रहे हैं जी? बताइए क्या होता है? क्या होता है? आरोप लगा देना, फ्रस्ट्रेशन निकाल देना बहुत आसान होता है, चीजों को समझा जाता है। फिर आप यार मुड़ी हिला रहे हो, मैं क्या कह रहा हूँ, हम बतिया होते वीरघाट, तू जाता हो वीरघाट। मैं क्या कह रहा हूँ मेरे भाई, समझ रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे ब्राह्मण हो गए, ठाकुर हो गए, यादव हो गए, दलित समाज हो गया, दलित समाज यानी कि जो एससी एसटी लोग, यह बिरादरी अलग, वो बिरादरी एक अलग मैटर है, और ये जो हम लोग ओबीसी एससी एसटी और जनरल कहते हैं वो अलग विषय है क्या? मैं वही तो कह रहा था, तो आप एकदम टूट पड़े मेरे ऊपर। मैं वही बात तो कह रहा था कि ये दोनों चीजें अलग अलग है। जब एक मिनट, जैसे आज एससी एसटी कैटेगरी में जिन लोगों को रखा गया है, एक टाइम आरक्षण मिल रहा है ना, एक टाइम आएगा कि मतलब क्यों किया गया कि एक टाइम आएगा कि एक दिन आरक्षण से आप मतलब कि थोड़ा सा मजबूत हो जाएंगे, और जब मजबूत हो जाएंगे तो बाद में, हालांकि भारतीय राजनीति में मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। पूरी बात सुनिएगा, पहले पूरी बात सुनना सीखिए सर। सुनना एक बहुत अच्छी, बोलने के लिए सुनना पड़ता है। तो जो एससी एसटी जो आज कैटेगरी अगर किसी दिन मजबूत हो जाए, और जो सामान्य वर्ग में लोग हैं वो अगर मान लीजिए किसी कारणवश कमजोर हो जाते हैं, और फिर से इसका मंथन और अवलोकन हो, तो सामान्य वाले एससी एसटी में आ सकते हैं और एससी एसटी वाले सामान्य में भी जा सकते हैं। उसका एक एग्जाम्पल बता देता हूँ। बीबी गिरी जी, हम लोग पहले जनरल में हुआ करते थे, ब्राह्मण समाज तीन कैटेगरी में है, गोस्वामी, पंडित जी और भूमिहार ब्राह्मण। तो हम लोग टोटल पहले हम लोग जनरल में हुआ करते थे। बीबी गिरी जी जब आए और देखे गोस्वामी समाज थोड़ा सा लो में है, मतलब कि उतना वो मजबूत नहीं है अन्य सामान्य लोगों की तरह, तो उन्होंने हम लोग को ओबीसी में डलवा दिया। अगर ये प्रावधान नहीं होता तो जो निषाद पार्टी वाले आरक्षण मांगत हमें कहाँ से मिलत? आरक्षण मेरी बात सुनिए, फिर आप नहीं समझ रहे हैं। जब सब आप मेरी बोल लेंगे तो हम लोग पहले सुन तो लीजिए, मेरी बात खत्म हो जाएगी तब आप बोलिएगा। पहले मैं हम लोग क्यों देखिए, मैं आपको मेरी बात नहीं सुनिए, मेरी बात सुनिए। आरक्षण चाहिए, अरे यार किसी भी बिरादरी का हो, हमारे बतिया तो सुन लो, हमारे बतिया तो सुन लो। आरक्षण की जरूरत नहीं, आरक्षण की बात नहीं कह रहा, मैं आरक्षण की बात नहीं कह रहा हूँ नीरज, मैं आरक्षण की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरी बात चाहिए ना, आप समझने के लिए तैयार नहीं है तो मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगा। मैं ये कह रहा हूँ, तब बतिए खत्म छोड़िए। क्या नाम है सर आपका? प्रिंस गौड़। प्रिंस गौड़ क्या करते हैं? पढ़ते हैं। मुद्दा इस बार स्टूडेंटों का मुद्दा क्या है, वोट देने को लेकर क्या सोच के जाएंगे वोट देंगे? हम सपा को देंगे, अखिलेश यादव को देंगे। मैं कुछ सोच के देंगे ना कि हाँ भाई काम किए हैं, कौन सी बात उनको अच्छी लगती है, कौन सी बुरी लगती है? उनकी हर एक बात अच्छी लगती है, और इतनी भर्तियाँ भी वो बोले हैं, और बिजली उजली भी फ्री कर दिए हैं, हाँ, और लैपटॉप वैपटॉप भी बोले। आप हिंदू विरोधी हैं? नहीं, हम हिंदू हैं। इतना बड़ा आपने मुद्दा दे दिया है कि हम सोच रहे सवाल पूछे कि यहाँ से मतलब जो भाजपा को वोट ना दे वो हिंदू विरोधी है। अभी इन लोगों को वोट लेना है तो ये लोग बोलेंगे ही हमको, हम लोग हिंदू विरोधी नहीं है, बाद में कहेंगे कि हिंदू विरोधी है। अभी चुनाव बीत जाने दीजिए, उसके बाद देखिए इन लोगों का रंग। हाँ, क्या करेंगे लोग? वही करेंगे जो करते आए हैं। क्या करते आए? हिंदू विरोधी। हाँ, वही गुंडागर्दी, धरने। गुंडागर्दी करेंगे आप लोग? अब वो हमारे धरना देना, एक मिनट, धरना देना इसमें क्या नाम है गुंडागर्दी में तो नहीं आता है? अरे उनके ऊपर तो ऐसे ही तीन चार मुकदमे हैं जिनसे आप बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, गलत बात, गलत गलत गलत। क्यों मुकदमे हैं? पूछिए उनसे क्यों हमारे ऊपर मुकदमे हैं। काहे मुकदमे हैं भाई? अरे भाई जगला रहे इस एरिया के। अरे यार, ऐसा कुछ नहीं है, हमको हिंदू विरोधी बोल रहे हैं वो, उनसे पूछिए, वो हमारे ग्राम सभा के हैं। मैं गांव में अपने मंदिर बनवाए कि नहीं बनवाए पूछिए, बताइए। मंदिर बनवाए हैं आप? बताइए कैसे हिंदू विरोधी हैं? हिंदू विरोधी हैं, जितने सपा वाले हैं सब हिंदू विरोधी हैं। ये तो भाजपा का मुद्दा यही है, मुद्दा नहीं। देखिए मंदिर बनवाए हैं वो, 5 साल और योगी जी को आ जाने दीजिए, पूरे राज्य में शांति, कानून व्यवस्था है बढ़िया, सब कुछ सही हो जाएगा, 5 साल और आने दीजिए। लेकिन इनकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, इतने सपाइयों के बीच में अकेले दहाड़ रहे हैं। लेकिन मुद्दा ये है, मुद्दा ये है कि जो सपा को वोट नहीं करेगा वो हिंदू विरोधी है। देखिए बिपिन सिंह तो यहाँ से जीत चुके हैं, 11 तारीख को आप देख लीजिएगा। आपके हिसाब से कौन जीत चुके हैं? विजय बहादुर यादव सबसे ज्यादा है। ये अभी कहे ना भैया बिपिन सिंह को यहाँ जीत मिलेगी? जीत नहीं मिलेगी, हम लोग निशान है सबसे ज्यादा है इस ग्रामीण विधानसभा में, और हम लोगों ने ठान रखा है बिपिन सिंह को हम लोग जीतने नहीं देंगे। जब सरवण निषाद टिकट पा रहे थे तो ये लोग कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी का हम लोग सदस्यता छोड़ देंगे, अगर ये लोग हम निषादों को वोट नहीं देते हैं तो हम लोग इन्हें कैसे वोट देंगे, हम भी नहीं देते हैं भैया, कैसे अकेले अपने ओर से अपने समाज को ओर से जीता लेते हैं, हम भी देखेंगे 3 तारीख को कैसे, 10 तारीख को जब गिनती आएगी रिजल्ट आएगा देखेंगे आप कैसे जिताते हैं बिपिन सिंह को। अच्छा, ईवीएम खराब होगा कि नहीं इस बार? ईवीएम
खराब हुआ कि नहीं? अरे ईवीएम कहाँ, ईवीएम तो कभी नहीं खराब हुआ है। हाँ? मुद्दा रहता है ना। अरे वो तो गलत सोच है इन लोगों की। चलिए हारने के बाद कोई मुद्दा तो चाहिए ना। भाई कह रहे हैं कि सरवन निषाद को आप लोग ठुकरा दिए तो ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। सरवन निषाद तो खुद बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं। हाँ, सारे बिपिन सिंह के साथ आप देख लीजिए कितने लोग निषाद वाले हैं, प्रचार कर रहे हैं। अब इनको ज्यादा दुख हुआ है, ये नहीं देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से भैया विजय बहादुर यादव जी जीतेंगे, कोई कुछ भी बतिया ले। विजय बहादुर यादव जी ठीक है, व्यक्तिगत संबंध किसी का हो सकता है, इनका हो सकता है, ये बोल रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए जमीनी स्तर पे आप जाके गांव घूम लीजिए, भिलोरा जाइए, पेवनपुर जाइए, तालनवर जाइए, बागाना जाइए, जीतपुर जाइए, बेतंगुआ जाइए, एकला जाइए, इधर के जितने भी ग्राम सभा हैं आप हर एक गाँव में चले जाइए, बाढ़ से पीड़ित लोगों की मदद विजय बहादुर यादव ने किया, कोरोना से जो पैदल आ रहे थे उनको यहाँ फोरलेन पे खाना बंटवाने का काम विजय बहादुर यादव ने किया, दवा बंटवाने का काम विजय बहादुर यादव ने किया, और भी जिसको जरूरत होती थी जिस स्तर से वो अपनी मदद करते थे। अब बराबर चले हैं पूरे 5 साल तक, सभी ग्राम सभा में आप अकेले चले जाके पूछ लीजिए ग्राम सभा गाँव वालों से, वो लोग खुद बताएंगे, चिल्ला के बताएंगे। दो लोग और थे भाजपा वाले, कहाँ गए भाई, चले गए क्या? विजय बहादुर यादव की जीत तय है, अब चाहे कोई कुछ भी बतियाए, और समझिए बहुत बड़े अंतर से विपिन सिंह को हराएंगे विजय बहादुर यादव जी, देख लीजिएगा। 10,000 वोट से जीतेंगे विपिन सिंह। विजय बहादुर यादव के साथ सौर समाज है। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम गोल्डन सहानी है, ग्राम पोस्ट बाहर। अच्छा, एक बार और आपसे मुलाकात कर बोले थे, कुछ बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, पूरा निषाद समाज जो है वो विजय बहादुर जी को वोट करेगा और उनको भारी मतों से विजयी बनाएगा, ठीक है ना? हम बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं चाहते हैं। चलिए बाकी रिजल्ट क्या होगा ये तो चुनौती के बाद पता चलिए ना जाएगा। 11 तारीख को मिल लीजिएगा। हाँ। मिठाई की, अच्छा भाई मिठाई खिलाएंगे? नहीं, एकदम खिलाएंगे। और आप लोग भी मिठाई तैयार रखिए भाई, दे चुके हैं, ऑर्डर दे चुके हैं दुकान पे। अच्छा, ऑर्डर हो गया है। अरे ये लोग तो पिछले बार के चुनाव में भी ऑर्डर दे दिए थे, फूल उल लेके सब पहुंचे थे। हाँ। लेकिन जीते तो बिपिन सिंह ही थे। हाँ। तो बहुत कम में वोट था, कम में वोट से जीते थे। इस बार 10,000 वोट का अंतराल होगा। चलिए, मतलब 10,000 वोट से जीतेंगे विजय बहादुर यादव? जीतेंगे नहीं, हारेंगे, जीतेंगे बिपिन सिंह। चलिए, तो गोरखपुर ग्रामीण दिल में कुछ और है, राहुल सिंह के दिल में कुछ और है, वो जान रहे हैं विजय बहादुर यादव। हमारे दिल में भगवा है, हम हिंदू हैं, सभी लोग हिंदू हैं, आपको बताना नहीं। बोलिए बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम, बोलिए जय समाजवाद, जय श्री राम, जय श्री राम, फूलन देवी अमर रहे, जय श्री राम, भारत माता की जय, बोलिए फूलन देवी अमर रहे, देख लीजिए अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे। एक मिनट, हल्ला नहीं, इन्होंने आपने कहा कि जय श्री राम बोले, उन्होंने जय श्री राम बोल दिया, अब वो कह रहे हैं कि फूलन देवी अमर रहे बोल दीजिए, तो आपको क्या दिक्कत है? नहीं बोलेंगे। क्यों? अरे भाई वो डकैत थी। वाह, यही मान सकता जिसके साथ वो बिरयानी हुई 14 लोगों का, जिन्होंने जिसका बलात्कार के देखे फरार, ऐसे ही बीजेपी भी जा रही है। ये लोग निषादों का वोट लेंगे, आए हमारे गांव में, इनको बताते हैं निषादों का वोट कैसे मिलता है। फूलन देवी डकैत थी ना, योगी जी कहाँ है, सीधा सीधे लाठी बरसवा रहे हैं, योगी जी क्या है, योगी जी क्या है, ये जिताएंगे बिपिन सिंह को? 1,15,000 निषाद है, यहाँ एक भी निषाद वोट नहीं देगा। इनकी गाड़ी ऐसे फ्री में घूम रही है, आदमी नहीं मिलना इनके गाड़ी में लोगों को। और प्रचार के अंदर भाई बड़ा दर्द है, हम निषाद मल्ला है, वो हमारे समाज के बारे में ऐसे बातें ये लोग भाजपा वाले लोग कर रहे हैं, हम लोग कैसे इनको वोट करेंगे? निषाद पार्टी का गठबंधन है इनके साथ, डॉक्टर संजय का फोटो नहीं इनके बैनर में लगा, ये लोग निषादों का सम्मान नहीं दे सकते हैं। भाजपा वाले लोग कभी निषादों का सम्मान नहीं दे सकते हैं, एक फोटो नहीं ये लोग लगवा सकते हैं वोट लेने के लिए, ये लोग घूम रहे हैं, देखिए आपके सामने किस तरह से बात कर रहे हैं। फूलन देवी डकैत थी, निषाद समाज इस समय विजय बहादुर यादव और अखिलेश यादव के साथ है, क्योंकि इन लोगों को आरक्षण भी नहीं दिया गया, आरक्षण का लुभावना दिया गया बस, कि आरक्षण दे दिया जाएगा, केंद्र में सरकार भाजपा की, राज्य में भी सरकार भाजपा की, इस समय तो लोग आरक्षण दे सकते थे इन लोगों को। चलिए, तो ये गोरखपुर ग्रामीण था, बाकी रिजल्ट क्या होगा 10 मार्च को पता चली जाएगा। बाकी कैमरे के उस पार से मेरा सहयोग कर रहे हैं अखिलेश, मैं विकास गोस्वामी और आप इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं। धन्यवाद।